हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बो साइड कोर्स के बारे में, यानी कि बेसिक ऑफशोर सेफ्टी इंडक्शन एंड इमरजेंसी ट्रेनिंग कोर्स के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बो साइड यानी कि होता क्या है उसके बारे में। तो जो भी पर्संस ऑफशोर फैसिलिटी हो या फिर ऑफशोर जो वेसल्स है जहां पर उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वहां पर अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको जो है इमरजेंसी ट्रेनिंग जो है वो ऑफर की जाती है। तो इस ट्रेनिंग को जो है बो साइड कहा जाता है, यानी कि बेसिक ऑफशोर सेफ्टी इंडक्शन एंड इमरजेंसी ट्रेनिंग जो है वो कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो बोसाइड कोर्स है, इसका मेन एम ये है कि जो भी वर्कर ऑफशोर इंस्टॉलेशन पर वहां पर काम कर रहे हैं, तो वो जो है सेफ्टी इश्यूज के बारे में वहां पर जो है अवेयर होनी चाहिए। साथ ही साथ ऑफशोर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी जो है वो अवेयर यहाँ पर होने चाहिए। अब यहाँ पर जो है उनको बेसिक इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए उसका जो है यहाँ पर नॉलेज जो है दिया जाता है। साथ ही साथ इनकी जो स्किल है ये यहाँ पर बढ़ाई जाती है, और यहाँ पर जो भी ऑफशोर फैसिलिटी है तो वहां पर हेलीकॉप्टर से जो है वो कैसे ट्रैवल करना है, वहां से जो है कैसे निकलना है, तो उसके लिए जो है उनको एक्सपर्टाइज जो है वो किया जाता है। अब इसमें जो है हेलीकॉप्टर सेफ्टी और हेलीकॉप्टर अंडर वाटर जो एस्केप ट्रेनिंग है वो भी जो है यहाँ पर इंक्लूड की गई है। यानी कि यहाँ पर जो है ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि जैसे कि कैपसाइज जो हेलीकॉप्टर है तो उसकी जो विंडो ओपनिंग है तो वहां से जो है कैसे एस्केप किया जा सकता है, तो वो जो ट्रेनिंग है यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अब बोसाइड जो है वो एलिमेंटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कवर करता है सभी जो क्रिटिकल ऑफशोर रिलेटेड जो भी सेफ्टी रेगुलेशंस है उसको। अब ये जो बोसाइड कोर्स है इसका ड्यूरेशन होता है 3 दिन का। अब इस 3 दिन के बोसाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है कई सारी जो चीजें है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की जाती है। तो इस ऑफशोर ट्रेनिंग प्रोग्राम का सबसे पहला जो स्टेप है वो है सेफ्टी इंडक्शन, यानी कि जो भी नया क्रू यहाँ पर काम के लिए आता है तो उनको जो है सेफ्टी इंडक्शन से जो है गुजरना है। जैसे कि यहाँ पर जो है उनको बताया जाता है कि इनकेस अगर कोई अगर इमरजेंसी होती है, जैसे कि फायर की अगर इमरजेंसी होती है, तो उस वक्त जो है उन्होंने कैसे रिएक्ट करना है। साथ ही साथ वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम का अगर एक्सीडेंट होता है तो उन्होंने वहां पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ड्रग्स के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अल्कोहल्स हो, अब्यूज हो, तो ये जो सारी चीजें है ये कवर की जाती है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए। फिर उसके बाद की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेकंड स्टेप आती है, वो है इमरजेंसी ट्रेनिंग। तो इमरजेंसी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है कवर किया जाता है कि जो भी पर्सन है उन्होंने हेलीकॉप्टर में जो है कैसे बोर्ड करना है, कैसे चढ़ना है, वो भी इमरजेंसी सिचुएशन में। साथ ही साथ यहाँ पर इनको बताया जाता है कि इनकेस अगर कोई भी अगर हजार्ड होता है जिसमें जो है आपको ब्रीथिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है, तो उस सिचुएशन में जो है आपने ब्रीथिंग इक्विपमेंट का जो है कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो है बताया जाता है। साथ ही साथ जो भी को वर्कर्स है या फिर जो भी पैसेंजर्स है तो क्रिटिकल सिचुएशंस के वक्त जो है उनको जो है कैसी हेल्प करना चाहिए, वो भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जो है वो बताया जाता है। फिर उसके बाद है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में थर्ड स्टेप जो है आपको बताई जाती है वो है सी सर्वाइवल। तो इसमें जो है आपको टीच किया जाता है कि हाई सी में जो है आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो, और वो भी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक। और वहां पर जो है आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो जब तक आपके पास वहां पर रेस्क्यू जो ऑपरेटर्स है वो वहां पर अराइव नहीं होता है तब तक। फिर उसके बाद का 4th पॉइंट यहाँ पर कवर किया जाता है वो होता है फायर फाइटिंग एंड सेल्फ रेस्क्यू। अब यहाँ पर ऑफशोर जो ड्रिल एरिया है वहां पर फायर फाइटिंग जो एप्लीकेशन है उसमें इंक्लूड होता है कि आपको जो है जो भी होजेस है उसको कैसे ऑपरेट करना है उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ अदर जो भी स्मॉलर फायर एक्सटिंग्विशर है उसको कैसे ऑपरेट करना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। इन एडिशन यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई अगर आग जो है वो अगर स्टार्ट हो जाती है तो उसके पीछे जो है क्या कॉज है, क्या रीजंस है, उसके बारे में भी जो है वर्कर को यहाँ पर पता होना चाहिए। और अदर पॉइंट की अगर इस ट्रेनिंग में अगर बात करें तो इंडिविजुअल सेफ्टी के बारे में भी जो है यहाँ पर बताया जाता है। अब ये जो बोसाइड कोर्स है ये फर्स्ट स्टेप है ऑफशोर सर्वाइवल ट्रेनिंग जो कोर्सेस है उसका। मतलब जब आप ये बोसाइड का जो सेफ्टी ट्रेनिंग है ये जब गेन कर लेते हो तो उसके बाद जो है फर्दर जो भी इमरजेंसी ट्रेनिंग कोर्सेस है वो आप कर सकते हो। अब ये जो बोसाइड कोर्स है इसकी वैलिडिटी होती है 4 साल की, और जब ये वैलिडिटी आपकी खत्म हो जाती है, 4 साल खत्म हो जाते हैं, तब जो है आपको इसकी वैलिडेशन के लिए जो है इसको कंटिन्यू करना होगा। तो उसके लिए जो है यहाँ पर रिफ्रेशर जो है एक कोर्स है जो आपको ऑफर किया जाता है। अब ये जो रिफ्रेशर कोर्स है इसका ड्यूरेशन होता है 1 दिन का, और अगर एनी चांस अगर ऑफशोर ऑयल जो ड्रिल वर्कर है वो अगर ये जो रिफ्रेशर जो कोर्स है वो अगर नहीं कर पाता है तो वो जो पर्सन है उसको दोबारा जो है ये जो बोसाइड जो कोर्स है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये दोबारा फिर से जो है शुरू से करना होगा।
तो इस चीज को जो है आपको ध्यान में रखना है। अब ये रिफ्रेशर कोर्स कौन सा होने वाला है ये हम आगे में देखने वाले हैं। तो आपके मन में जो है कई सारे जो है यहाँ पर क्वेश्चंस आए होंगे, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो बोसाइट सर्टिफिकेट है ये आपको कैसे मिल सकता है। तो इस कोर्स के जो है यहाँ पर 4 मॉडल्स है। पहला है सेफ्टी इंडक्शन, दूसरा है हेलीकॉप्टर सेफ्टी एंड एस्केप, तीसरा है सी सर्वाइवल एंड फर्स्ट एड, और फोर्थ मॉडल है फायर फाइटिंग एंड सेल्फ रेस्क्यू। तो इन चारों मॉडल को जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद जब कोई पर्सन इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है तो उसको जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर ओपिटो जो है वो एग्रीडेस करता है बोसाइट कोर्स को। अब ओपिटो यानी कि ऑफशोर पेट्रोलियम इंडस्ट्री ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो ओपिटो का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने जो है सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया है, वो भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए। अब ये जो ओपिटो का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर ये जो बोसाइट का जो कोर्स है इसको मान्यता जो है वो प्रदान करता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ये जो बोसाइट सर्टिफिकेट है ये कब तक जो है ये वैलिड होता है। तो बोसाइट जो सर्टिफिकेट है इसकी वैलिडिटी होती है 4 साल की। तो इसकी वैलिडिटी जो है वो एक्सपायर होने से पहले जो है आपको जो है फोर्थ जो कोर्स है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होता है, ताकि आपके सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो यहाँ पर नेक्स्ट 4 साल के लिए जो है यहाँ पर जो है वो बढ़ सके। अब ये जो फोर्थ का जो कोर्स होता है ये 1 दिन का होता है, कंपेयर टू जो बोसाइट का जो कोर्स होता है वो 3 दिन का होता है, और ये बोसाइट कोर्स के कंपेरिजन में जो है कम एक्सपेंसिव होता है। अब ये जो फोर्थ कोर्स है इसका फुल फॉर्म होता है फर्दर ऑफशोर इमरजेंसी ट्रेनिंग। चलिए अब जानते हैं इस कोर्स के फीस के बारे में। तो सबसे पहला है बोसाइट का जो कोर्स जब आप करते हो तो उसकी जो फीस है वो होती है 18,000 तक, और इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो होता है 3 दिन का। फिर उसके बाद का सेफ्टी कोर्स है वो है हुएट यानी कि हेलीकॉप्टर सेफ्टी एंड एस्केप ट्रेनिंग। तो ये जो ट्रेनिंग है ये होती है 1 दिन की, जिसकी फीस है 8,000। फिर उसके बाद का सेफ्टी कोर्स है जो है फोएट यानी कि फर्दर ऑफशोर इमरजेंसी ट्रेनिंग। तो ये जो कोर्स है ये होता है 1 दिन का और इसकी जो फीस है वो होती है 10,000 तक। तो जो भी पर्सन ऑफशोर में जो है यहाँ पर काम करना चाहता है तो वो जो है इस कोर्स को जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा बोसाइट के बारे में, यानी कि बेसिक ऑफशोर सेफ्टी इंडक्शन एंड इमरजेंसी ट्रेनिंग के बारे में। तो बस आज के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप HSC स्टडी गाइड को सपोर्ट करना चाहते हो और हमारा जो मनोबल है वो और भी बढ़ाना चाहते हो तो अभी जो है हमें YouTube की तरफ से जो है अभी ये जो थैंक्स का बटन आप यहाँ पर देख रहे हो जिसे सुपर थैंक्स कहते हैं ये अभी हमें मिल गया है। ये सुपर थैंक्स के ऊपर क्लिक करके जो है हमें जो है आपके हिसाब से जो है सपोर्ट कर सकते हो। तो जैसा चाहे वैसा आप जो है हमें सपोर्ट कर सकते हो और हमारा जो मनोबल है वो और भी बढ़ा सकते हो, ताकि हम HSC रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो और भी ज्यादा आपके लिए लाते रहे।